ये देख सकते हो कि अभी नाम लिया ही था कि हाथों पे अक्सर आ जाते हैं, और ये देखो घूम रहा है। होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। ये छोटा वाला है, एक होता है थोड़ा बड़ा सा, वो एक ही जगह पे चिपका हुआ टाइप से रहता है, और एक फ्लाइज होती है जो मक्खी की तरह होती है, थोड़ी सी चिपटी सी होती है। वो तो अपने यहाँ है नहीं, मैं तो वो भी दिखा देता। बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं स्टार्टर से, उनको नहीं पता भाई, जिसको पता है वो तो यही कहेगा भाई हमको पता है। तो जिनको पता है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। ये देख सकते हो मेरा लक्का, जिसको सबसे ज़्यादा था, मतलब कल जितने कबूतरों को नहलाया उनमें सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ करीब करीब मैंने 100 कबूतरों को नहलाया होगा कल, और करीब 20-25 रह गए होंगे। 100 कबूतर से ज़्यादा ही कल मैंने नहलाया, और इसके बाजू इसके पंख सब में था। आप देख सकते हो नहलाने, थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे करके नहलाने की वजह से थोड़े पर इसके वैसे वैसे हो गए, तो कुछ दिन की नहलाई धुलाई पर अपने आप सही हो जाएगा। और देख सकते हो पहले मतलब अक्सर जो थे क्योंकि सुस्त की तरह बना रहे, खाता पीता रहा मस्त रहे, उसके बाद सुस्त हो जाता था। अब मैं इसका बाजू खोल के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते होगे कि सब एकदम साफ है। और आगे की भी वीडियो जब देखना, मैंने इसका जो पूरा नहलाई धुलाई का प्रोसेस किया है उसमें कितने थे, तो ये वीडियो के बाद आगे पूरी जो तो इस लॉफ्ट की जो तो इस पार्ट में मिलेगी। और कल वाला जो देखा था उसमें इस पार्ट का था, और तो जिन्होंने इस वाले लॉफ्ट का नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट चला जाए देख ले, और ये रहा सेकंड पार्ट। अब जो रहेगा तो इसमें लास्ट में मैंने इसको नहलाते हुए पूरा दिखाया है। अभी जो दिख रहे हैं वाइट वाइट जगह जगह, ये सब अंडे हैं। तो पुराने जितने थे वो सारे मर गए, और तो लास्ट तक देखना इसकी नहलाई धुलाई के टाइम जो तो कितने ज़्यादा जो तो लाइसेस और टिक्स थे। तो जाओ वीडियो देखो लास्ट तक। तो अपना जुगाड़ साजो सामान सब रेडी है, और हर कैमरा सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अभी इस लॉफ्ट में जो एक दो कबूतर है जिनको बहुत ज़्यादा है, मैं उनको दिखा देता हूँ, थोड़ा करीब से भी दिखा दूँगा, और फिर आप अपना करना। इतने में तो समझ ही गया हो गया है अच्छा बुरा, मतलब उसके साथ क्या हुआ क्या करना है। मुंह में लग जाए, कान में लग जाए, आँख में लग जाए तो क्या करना है। कान में तो नहीं, कान में तो पर रहते हैं वो, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुँह के अंदर, चाहे नाक के ज़रिए जाए, चाहे मुँह के ज़रिए जाए, चाहे आँख के ज़रिए जाए, या आँख में भी ना लगे, तो इसका ध्यान रखना। और चला गया तो पैरामाइसिन है ही, बाकी देख लेना वीडियो, कहीं कुछ कंफ्यूजन दिखे तो। तो लाते हैं पहले लक्के को, बहुत ज़्यादा है, उसी को थोड़ा सा हम ज़्यादा ट्रीटमेंट करेंगे। ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है, देखो दिखा, ये सारे सब लगे हुए हैं इसमें, और कहीं कहीं ये इधर वाले साइड में वाइट वाइट पूरे दिख रहे हैं, ये सारे अंडे हैं। और इसको थोड़ा दुम उठा उठा के भी करेंगे हम, जैसे कि देख सकते हो इसके दुम के पास भी कितने ज़्यादा हैं, चल रहे हैं, पूरे रेंग रहे हैं। तो ये सब क्या है कि इसके मतलब इस पर भी असर करता है, इनके मतलब बॉडी पे इनके, और काफ़ी कई दिनों से सुस्त भी दिख रहा है, खा रहा है पी रहा है और उसके बाद सुस्त रह रहा है अपने घर। तो यही सब
कई सारी वजह हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है कि मतलब साफ मतलब मरने के बाद जू को जू मर जाए और उसके बाद देखते हैं इनके बॉडी में सुधार आता है क्या नहीं। ये धागे इसने फंसा लिए हैं। तो अच्छे से इसको डुबाएंगे, दुम चीर चीर कर मतलब एक एक दुम इस तरह से कुछ देर डुबा के रखे रहेंगे ताकि पूरा असर करे इस पर। इस पर बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है इसी के वजह से, बाकी कबूतरों को भी हो रहा। आप देख सकते हो मतलब दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, सारे जू जो तो मरमर के ऊपर तैर रहे हैं, तैरने को आ रहे। बाकी कबूतर पर तो इतना नहीं था, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और फ्लाइज जब होती है ना कबूतरों पर तो वो भी ऐसे ही मर के तुरंत जो तो छटपटाने लगती हैं कुछ देर तक और उसके बाद मर जाती हैं, तो ऊपर ही आके तैरती रहती हैं। इससे पहले मैंने जब जब किया ना तो ढेर ढेर सारे जो तो फ्लाइज जो तो इकट्ठा कर करके इकट्ठे हो जाते थे किनारे मर मर के। तो थोड़ा सा खोल खोल के थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे कबूतरों पे जिन पे बहुत ज़्यादा है। बाकी को तो एक बार डुबकी लगा दिया, दो बार डुबकी लगा दिया, हो गया काफ़ी है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है ताकि पूरे कोने कोने तक इनकी जो तो सफाई हो जाए। थोड़ा अच्छे से थोड़ा टाइम लेके करें ताकि ऐसे कबूतरों के जू एकदम ख़त्म हो जाए, बाकी कबूतरों पर असर ना करें। देख सकते हो ये सब भागने लगे इधर उधर हो गए। अभी शाम के टाइम देखना कुछ नहीं मिलेंगे, जितने चल रहे हैं ना सब काम ख़त्म, जो रहेंगे भी तो मर डेड बॉडी चिपकी रहेगी। तो धूप में छोड़ देंगे इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग गया है, तो अपना धूप में ही आराम से सूखेगा। देख सकते हो इसे ना मतलब आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी मेडिसिन मतलब ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा सही। इधर दो तीन दिन से कुछ आराम है, अब तो सूख गए हैं सारे आँख। हाँ कुछ ये अलग से निकल आया हुआ है, बीच बीच में मेडिसिन करने पर कम भी हो जा रहा था, लेकिन फिर देख रहा हूँ तो मैंने कहा एक बार ये भी कर लें क्योंकि अब मुझे ठंड आ रही है, वैक्सीन भी करना है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले डिवॉर्मिंग हो गई पेट के अंदर की, अब शरीर के बाहर की जो तो डिवॉर्मिंग हो जाए, और उसके बाद ये देखो नहला दिया तो कैसा हो गया। तो कुछ देर उसे धूप में ही रहने देते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो ही गई है तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो कोना कोना मतलब किस तरह से साफ करना है सब मालूम हो गया, अंदर बाहर सारी चीज़ें हो गई। और जब वैक्सीन देना होगा तो मैं वैक्सीन की भी वीडियो, वैक्सीन कैसे लगाएं, वैक्सीन कैसे दें, उन सब की भी वीडियोस मैं बना दूंगा। धूप में जाओ तुम। तो फाइनली इस लफ्ट के भी सारे हो गए, और बार बार बाहर निकाल के मतलब
नहलाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं पूरा डब्बा ही अंदर लेके आया और पकड़ पकड़ के नहला दिया और अंदर छोड़ दिया। और क्या चाहिए, बस होने चाहिए, नहाने चाहिए, चाहे अंदर ले पकड़ के ही नहलाओ चाहे बाहर नहलाओ, नहाने से मतलब है इनको, और हमको इनका साफ होना ज़रूरी है, मतलब लाइसेंस स्टिक्स और फ्लाइस से। तो देख सकते हो सभी नहा लिए हैं, जो पहले नहाए तो वो तो सूख भी गए, छोटा बड़ा अट्ठा पट्ठा सब नहला दिया, मतलब पट्ठे जो अभी इतने इतने हैं, मतलब जो अपने से सेल्फ फीडिंग पे मैंने उनको नहला दिया, जो अभी इतने इतने हैं भराई पे हैं उनको नहीं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर होता है, बाई चांस अगर चला गया तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सा जू ही ना बढ़ेगा। भैया जिनको नहला दिए हैं उनको इतनी जल्दी वापस जू नहीं चढ़ेगा, 5-6 महीने तक तो नहीं है चढ़ेगा, उस पर महक रहती है काफ़ी दिनों तक, और उसके बाद अगर आपके लॉफ्ट में एक भी जू नहीं है तो वो सालों तक नहीं चढ़ेगा, और 6-7 महीने के बाद अगर कोई कबूतर लाया उसमें जू है उस पर बढ़ते बढ़ते तो फिर चांसेस होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास एक जू वाला कबूतर और एक बिना जू वाला है, आप बिना जू वाले को नहला दिए हो तो 5-6 महीने तक तो उस पर जू चढ़ेंगे नहीं, जो चढ़ेंगे बिना तो रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि वो रह नहीं सकते उस पर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर आजमाया हुआ, अपने कबूतरों पे आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है, फ्लाइज मतलब पहले कर चुका था तो फ्लाइज आते भी थे दूसरे कबूतर से तो तुरंत उड़ के हट जाते थे, उन कबूतरों पे फ्लाइज रहते नहीं थे, मतलब टिकते नहीं थे, वो भाग जाते थे, वो वापस उसी कबूतर पे जाते जिन पर नहीं होता, जिनकी नहलाई धुलाई नहीं हुई होती है बुटॉक्स से। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।